केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार किया। साहिबगंज में परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक के लिए हेमंत सरकार घुसपैठियों पर रोक नहीं लगा रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बीजेपी चुन चुनकर बाहर करेगी। वहीं उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थियों की मौत और पेपर लीक को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। साहिबगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, घुसपैठियों को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार, कहा घुसपैठियों को चुन चुन कर करेंगे बाहर। एक झारखंड सरकार बदल दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूँ, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर भी हेमंत सरकार पर वार, कहा हेमंत सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। पूरे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार अगर कहीं है तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार। संथाल में अमित शाह का चुनावी शंखनाद, संथाल में परिवर्तन यात्रा का किया शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साहिबगंज में संथाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। पुलिस लाइन मैदान में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने घुसपैठिए को लेकर हेमंत सरकार पर जोरदार वार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री बदलना मकसद नहीं बल्कि घुसपैठियों को बाहर करने वाली सरकार लानी है। परिवर्तन किस चीज का करना है? मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना, जेएम और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन करना है ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है। ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार पर अमित शाह ने प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जनकल्याण की जगह घुसपैठे कल्याण में जुटे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार ने जन कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया है। भाइयों बहनों, आज पाकुड़ जिले में हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो ऐसे नारे लगते हैं। बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने घुसपैठिए को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी वोट बैंक के लिए घुसपैठिए पर रोक नहीं लगा रहे। ये लालू यादव की पार्टी, जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। वोट बैंक के डर से वो घुसपैठ को रोकते नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री ने न सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हेमंत सरकार पर वार किया बल्कि उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ में अभ्यर्थियों की मौत को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अमित शाह ने कहा कि हेमंत सरकार ने नौकरी नहीं दी लेकिन नौकरी के लिए दौड़ा दौड़ा कर युवाओं को मार रही है। और नौकरी की जगह दौड़ा दौड़ा कर युवा मर जाए तब तक दौड़ाने का काम ये हेमंत सोरेन ने किया है, हेमंत सोरेन ने किया है। पेपर लीक को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार आने पर पेपर लीक वालों को उल्टा लटका कर सीधा किया जाएगा। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल का पेपर लीक हुआ, जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ, लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ,
नगर पालिका का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल की नौकरी का पेपर लीक हुआ और जेपीएससी का पेपर भी लीक हो गया। पैसा लेकर पेपर बांटते हैं और गरीब युवा आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलती है। भाइयों बहनों, हम वादा कर जाते हैं, हमारा घोषणा पत्र आएगा, मगर इस सारे पेपर लीक वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि झारखंड में मनरेगा से लेकर जमीन तक का घोटाला हुआ, सेना की जमीन भी बेच दी गई, हेमंत सरकार के मंत्री और उसके कर्मचारी के घर से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, कांग्रेस के सांसद के घर से 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिले। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अपने एक भी वादे पूरे नहीं किए, सिर्फ राज्य में भ्रष्टाचार किया। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोगनाडीह में शहीद सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। साहिबगंज से अजय लाल और रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। साहिबगंज के बाद अमित शाह ने गिरिडीह में परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार और घुसपैठ को लेकर जोरदार वार किया। वहीं राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर लोगों को राज्य में ही रोजगार दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। गिरिडीह में अमित शाह का शंखनाद, परिवर्तन यात्रा का किया शुभारंभ, हेमंत सरकार पर जोरदार हमला, भ्रष्टाचार और घुसपैठ को लेकर वार। गिरिडीह के झारखंड धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। धनबाद में बीजेपी के परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर झारखंड धाम का विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने युवाओं, पिछड़े, दलित और आदिवासी के साथ झारखंड की मां बहनों के साथ अन्याय किया। जो सरकार है इसका ने झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय किया। इस सरकार ने झारखंड के पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किया। इस सरकार ने झारखंड के दलितों के साथ अन्याय किया। इस सरकार ने झारखंड के आदिवासियों के साथ अन्याय किया और इस सरकार ने झारखंड की माताओं बहनों के साथ अन्याय करने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार को लेकर भी हेमंत सरकार पर प्रहार किया। धीरज साहू और आलमगीर आलम के ठिकानों पर मिले कैश को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। ये भ्रष्टाचार की गंगा इनके समुद्र तक पहुंचने नहीं देंगे। कमल फूल की सरकार बनाइए, ये भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए आदिवासी बहनों से नकली शादी कर रहे हैं, जमीन छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी घुसपैठियों को बाहर निकालेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट करें, हमारी संपत्ति को हड़प रहे, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रच रहे और हमारा रोजगारी का भी लूटने का काम करते हैं। झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिए की जगह नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भाई, परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य में दो तिहाई से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर पलायन रुकेगा, लोगों को राज्य में ही रोजगार दिया जाएगा। वहीं उन्होंने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। परिवर्तन रैली को संबोधित करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधे झारखंड धाम पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और इसी खबर पर गिरिडीह से हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीकांत जोड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। श्रीकांत, शाह का शंखनाद हुआ है क्योंकि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बीजेपी जिस परिवर्तन की बात कर रही है वो अब किसी से स्पष्ट छिपा नहीं है। बातें बहुत कुछ आज मंच से की गई, घुसपैठ का मुद्दा रहा, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा और इन सभी विषयों पर एक बात जो मुखर होकर सामने आ पाई है, एक मंच से जो बातें अमित शाह ने कही है कि यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो एक जो कह सकते हैं विश्वास जनता के भीतर जगाने की एक कोशिश आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। ये देखिए सुष्मिता, लगातार कोई भी चुनाव हो आप देखते होंगे कि उसमें जो रैली है और जो यात्रा है उस यात्रा का अपना एक महत्व, एक मकसद रहता है, एक उद्देश्य रहता है, लक्ष्य प्राप्ति करने का। उसी लक्ष्य प्राप्ति यानी कि जो झारखंड की सत्ता में वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है और पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि भाजपा का पंचायत से लेकर प्रदेश और केंद्र तक का नेता इस कार्यक्रम में जुट गया है कि कैसे झारखंड में सत्ता में वापस काबिज होना है। और इसे लेकर सबसे अहम कड़ी जो है संथाल और कोल्हान को माला गया। हालांकि संथाल से आज इसकी शुरुआत हुई, मध्य भाग है गिरिडीह जिला, बीच सेंटर माना जाता है, बीच का इलाका है और फिर वहां अमित शाह पहुंचे गिरिडीह जिले के झारखंड धाम में, जहां पर उन्होंने सीधा अपने भाषणों में सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड जिस तरीके से खनिज संपदा से भरपूर है, पूरे देश और दुनिया को यहां की खनिज संपदा हम देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि आज भी राज्य के युवा गुजरात, दिल्ली, बंबई जैसे शहर में पलायन करते हैं चंद पैसे की नौकरी के लिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह परिवर्तन का वक्त है और परिवर्तन मूलवासियों के, आदिवासियों के, पिछड़ा वर्ग, दलित, शोषित, यानी कि आज ओबीसी कार्ड खुल के अमित शाह ने खेला है और उस ओबीसी कार्ड के जरिए राजनीति साधने की कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी के लिए जो भला मोदी जी ने किया है शायद ही कोई सरकारों ने किया होगा। साथ ही साथ उन्होंने भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया कि जिस तरीके से झारखंड में कांग्रेस कोटे के जो मंत्री थे, राज्यसभा सांसद थे, उनके घर से नोटों का जो पहाड़ मिला है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या ये जवाब देने की स्थिति में है कि वो पैसा कहां से आया, किसका था। वो पैसा जनता का था और जनता के पैसे पर इस सरकार ने लूट तंत्र कायम किया है, रोजगार के नाम पर युवाओं को मौत बांटी गई है, जिस तरीके से दौड़ के नाम पर मौत बांटी गई है वो भी तब जब 5 साल पूरा होने वाला है। आखिर युवाओं को रोजगार भत्ता मिला क्या, 5 लाख नौकरियां मिली क्या, इन सारे सवालों को लेकर उन्होंने राज्य सरकार को घेरा है और उन्होंने साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की है कि अब ये परिवर्तन का वक्त है और इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो झारखंड प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बनाया जाएगा जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सके। श्रीकांत, देखिए वादे किए जाए जो है वो मंच से करते हुए नजर आए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मैनिफेस्टो तक का भी जिक्र उन्होंने कहा कि यदि आप बीजेपी की सरकार को वोट करते, इवन उन्होंने वोट देने की अपील तक कर दी है। इन सबके बीच सवाल अब ये है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है, कितना असर इसका और कितना परिवर्तन ये आने वाले चुनाव के नतीजों पर डालता हुआ नजर आएगा। श्रीकांत, देखिए सुष्मिता, निश्चित तौर से चुनाव की घोषणा भले ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाली हो, लेकिन जो सबसे बड़ा सेंटर है अभी वो झारखंड है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में झारखंड को खोना नहीं चाहती है। यही बात है कि एक तरफ कोल्हान में जहां नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हैं, वहीं दूसरी तरफ संथाल से हुंकार भरते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साफ संदेश है और आपने सही कहा कि उन्होंने आज यह घोषणा भी कर दी है कि जब हम सत्ता में वापस आएंगे तो हम क्या देंगे, वायदे भी कर दिए हैं, वोट की अपील भी कर दी है, यानी कि एक तरीके से आप मानिएगा तो श्री गणेश जो है चुनावी श्री गणेश भाजपा ने आज से विधिवत रूप से कर दिया है, शंखनाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में वापस आते हैं तो जिस झारखंड धाम से हम
बिल्कुल श्रीकांत, अब इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसका कितना असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब महज कुछ ही दिन या महीने हम कह सकते हैं जब महज इन तारीखों की घोषणा हो जाएगी और चुनाव को लेकर ये तमाम राजनीतिक पार्टियां रेस अभी से ही नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।